कॉमर्स डिपार्टमेंट फ्रॉम उज्जैन, डॉक्टर ममता सिंह मैम एचओडी ऑफ सीएमएस डिपार्टमेंट फ्रॉम साइंस कॉलेज एंड डॉक्टर डीबी तिवारी सर प्रिंसिपल ऑफ साइंस कॉलेज. आई मिस श्रद्धा फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वेलकम यू ऑल टू दिस वन डे वर्कशॉप ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क प्लेस. So let's start our session by offering the prayers to Ma Saraswati, the embodiment of knowledge. Anju ma'am, please come. नमो नमः या कुंदे तुषार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्माशना या ब्रह्माचित संकरा प्रभृति देव सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष चार्यापहा निःशेष चार्यापहा. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Dr. D.B. Tiwari, sir, Principal of Science College, for welcoming speech. Please, sir. Hello. मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट परम सद्दे आदरणीय डॉक्टर बराल सर, मंचासीन महाविद्यालय के डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर ममता मैडम, मेरे सभी सम्माननीय प्राध्यापक गण, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि अल्पकालीन आग्रह के बाद सर आज हमारे बीच उपस्थित हैं. कल रात को ही बिमल सर से बात हुई और उनका हम लोगों के प्रति प्रेम है, बड़प्पन है कि इतने शॉर्ट नोटिस में भी आपने हमें समय दिया. मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका शुक्रगुजार हूं और महाविद्यालय में उनका अभिनंदन करता हूं. क्योंकि सर को बहुत जल्दी है इसलिए बहुत और समय ना लेते हुए एक बार पुनः महाविद्यालय मैं पधारने के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में समय दिया. ये उनकी उदारता है, ये उनका बड़प्पन है और एक प्रेम है हम लोगों के लिए. और मैं उम्मीद रखूंगा कि ऐसी प्रेम बना रहे. जब भी बिलाई रायपुर आना हो तो निश्चित रूप से सर का आगमन हमारे महाविद्यालय में हो
ऐसी अपेक्षा रखूंगा। धन्यवाद सर। अच्छा ये तो थैंक यू सो मच सर फॉर इंस्पायरिंग एंड एनरिचिंग मैसेज टू अस। हमारे बीच में आज के स्पीकर हैं, उनकी मैं कुछ विशेषताओं के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी। ही हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एंड पेपर सेटिंग एंड एग्जामिनर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड प्रोफेशनल बॉडीज। ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर एज अ चेयरपर्सन एंड BOS विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन एंड ही हैज अ मेंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज व्हिच इज लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट like Bhopal, Gwalior, Ujjain, etc. He has responsibilities of trainer of Lok Sabha, Vidhan Sabha and local bodies, election and census. और ये बहुत सारे national workshop में as a chair technical person और keynote speaker रह चुके हैं, जैसे जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट, दमोह, सीहोर, रायसेन, भोपाल, etc. And for PhD supervision, सर के अंडर में बहुत सारे PhD अवॉर्डेड हैं एंड MPhil अवॉर्डेड पर्संस भी हैं एंड ही एग्जामिन्स 53 PhD थीसिस रजिस्टर्ड इन वेरियस यूनिवर्सिटीज और इन्होंने कॉमर्स की 9 बुक पब्लिश की हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट से हैं और 7 रिसर्च आर्टिकल भी इन्होंने पब्लिश किए हैं। टुडे डॉक्टर शैलेंद्र सर विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन कीप अवर माइंड स्टेबल, हाउ वी कैन deal with various situations and how we can manage our emotions and take a strategic decision at workplace. So to know more about that, I would like to request Dr. Shailendra Kumar Bharal sir as a guest speaker of this workshop and he is a professor and HOD of Commerce Department from Government Kalidas PG College, Ujjain. Please sir. साईं कॉलेज की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ममता मैडम, प्रोफेसर विमल, सारे मेंबर्स, अभी तिवारी सर ने या हम ममता मैडम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपने हमें एक समय दिया। तो एक्चुअली मैं अपने आप को इस महाविद्यालय के लिए गेस्ट नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस महाविद्यालय के परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती हम अपने आप का होश संभालते हैं, हम मैच्योर होते हैं, तो हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं स्वाभाविक रूप से उनसे हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। दो चीजें अलग अलग, एक इमोशनल अटैचमेंट होना और दूसरा उसको निभाना। अगर हम अटैचमेंट हैं लेकिन उसको हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जो उसकी नीड है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर हम खरे नहीं उतर रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि इसके अंदर दिखावा ज्यादा। आज आप देखें हर चीज के अंदर हमें दिखावा दिखाई दे रहा है। इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके ऊपर हमें चर्चा करने पड़ेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस, सबसे पहले अगर व्यक्ति ये माने कि मुझे बनाने के अंदर, मेरी सफलता के अंदर, मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाने के अंदर उन सभी लोगों का योगदान है जिनके बीच में मैं रह रहा हूं, जिनके बीच में रहते हुए मैंने ये सारे काम किए। अभी आपने देखा होगा कि इस साल जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं, इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल। अगर वो चाहते हैं खिलाड़ी लोग, तो वो केवल किसी एक व्यक्ति को, कोच को, अपने फैमिली मेंबर्स को उसका श्रेय दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सारे भारतवासियों को श्रेय दिया। और अपना जो गोल्ड मेडल है वो किसको समर्पित किया है, अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को, अपने राज्य को नहीं, बल्कि मिल्खा सिंह को उन्होंने समर्पित किया है। क्योंकि मिल्खा सिंह पहले एथलेटिक थे जिन्होंने बाकी लोगों को जोड़ा है और उनको मोटिवेट किया है। अपने जीवन के अंत तक वो प्रयास करते रहे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एथलेटिक्स से जुड़े। इसे हम क्या कहेंगे, ये कहलाता का इमोशनल। उससे बड़ा इमोशनल किसका देखा हमने, नीरज चोपड़ा को, कि जिन्होंने अपनी सारी सफलता उनके नाम कर दी। अब हम आते हैं वर्क प्लेस, जहां हम काम कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको उन लोगों की बात बताई कि जिनमें हम उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन हमें बेहद खुशी मिलती है, बेहद प्रसन्नता होती है। अगर अखबार आ रहे हैं या न्यूज चैनल के सामने हम बैठे हैं, तो हम केवल उसी को देखते थे कि आज टोक्यो ओलंपिक के अंदर हमारे कौन से खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में, या उनकी पदक की संभावना क्या है। अखबार हम पढ़ते थे तो हम वही वाला पेज ज्यादा निकालते थे, क्योंकि अखबार की अपनी विशेषता रहती है, उनके नंबर ऑफ पेजेस फिक्स है, नंबर ऑफ मैटर फिक्स है उनका, तो हम वो वाला देखते थे कि कहां जा रहे हैं। तो वर्क प्लेस पे जो हम काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि जो मेरी पहचान है वो मेरी संस्था के कारण है। मैं जहां काम कर रहा हूं उसके कारण मेरी पहचान है, मेरे कारण लोगों की पहचान नहीं है। अगर लेकिन हम ये देखते हैं रियलिटी लाइफ के अंदर कि व्यक्ति अपने आप को सुपर समझने लगता है, अहंकार उसमें आ जाता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। उसके स्थान पे यदि वो तस्वीर बदल करके देखे कि मैंने ऐसा नहीं किया है, बल्कि मुझे ऐसा करने के लिए जो मेरे वर्क प्लेस के लोग थे उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। इसीलिए मैं सोचता हूं यदि मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे विश्वविद्यालय का है कि उन्होंने मुझे न केवल चेयरमैन बनाया, बल्कि हर कमेटी के अंदर रखा, और उसके कारण मैं दूसरे विश्वविद्यालय से जुड़ पाया। तो मैं ये मान करके चलता हूं यदि मैं कुछ भी कर सका हूं, तो उसके अंदर विश्वविद्यालय का सबसे ज्यादा योगदान। कई बार आपने देखा होगा कि हम अपने निजी हित को, हम अपने पारिवारिक हित को, हम अपनी संस्था के हित से ऊपर मानते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि हमें संस्था के हित को प्रायोरिटी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि संस्था डेवलप करेगी, संस्था का नाम होगा, तो आज हम हैं, उसके साथ साथ संस्था और भी लोगों को जोड़ेगी, और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, एंडलेस प्रक्रिया है। पुराने लोग जाएंगे, नए लोग जुड़ेंगे, और वो उस चीज को और आगे तक लेकर के जाएंगे। हर स्पोर्ट्स मैन से हमको सीखना चाहिए। एक अच्छा, एक सच्चा स्पोर्ट्स मैन है वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरा रिकॉर्ड टूटे, बल्कि वो ये सोचता हमेशा कि मेरा रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है। मैं सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने पूछा, साहब आपको जो है भारत रत्न दिया गया है,
और आपको क्रिकेट का भगवान माना जाता है, आप को क्या लगता है कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? तो उनका जवाब था साहब, मुझे बहुत खुशी होगी यदि कोई खिलाड़ी मेरा रिकॉर्ड तोड़ता है। और रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, ये उनकी अपनी फिलॉसफी थी। तो ये एक अच्छे खिलाड़ी की मानता है। और उनने पूछा साहब कि आपको अभी एट प्रेजेंट जितने प्लेयर्स हैं उनके अंदर किसमें ये संभावना दिखती है? उनके साथ मुझे विराट कोहली के अंदर ये संभावना दिखती है, और कई मामलों के अंदर हम देखते हैं उनने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़े भी। तो ये दो तीन चीजें हमें अपने जेहन के अंदर बिठानी है। नंबर वन, हमारा अस्तित्व संस्था के कारण है, हम जहाँ काम कर रहे हैं। नंबर दो, संस्था हमेशा व्यक्ति से बड़ी होती है। नंबर तीन, हमें जब तक हैं, क्योंकि हम देखते हैं शासकीय सेवा के अंदर एक लिमिट रहती है, एक एज का मापदंड रहता है, जिसके बाद आपको ना चाहते हुए भी, संस्था को ना चाहते हुए आपको सेवानिवृत्त किया जाता है। लेकिन सच्चा व्यक्ति वो है जो रिटायरमेंट के बाद भी, किन्हीं कारणों से संस्था से दूर हो जाने के बाद भी, अपने वर्क प्लेस के बारे में सोचता है। और वो जहां जाता है वहां अपने वर्क प्लेस के बारे में बात करता है। और यदि उसे कोई ऐसा पॉइंट मिलता है, ऐसा कोई बिंदु मिलती है, ऐसी कोई जानकारी मिलती है जो उसके संस्था की ख्याति के अंदर वृद्धि करने में महत्वपूर्ण हो सकती है, तो उनके साथ शेयर भी करता है। निष्कर्ष यह है कि हमें एक ओपन माइंड होना चाहिए। ठीक है, मुझे तिवारी सर याद आ रहा है कि जब मैंने बुक लिखी, हम ये देखते हैं कि हर कॉलेज के अंदर जन भागीदारी का कॉन्सेप्ट है, तो व्यक्ति के बहुत सारे कहना चाहिए कि समर्थक भी रहते हैं, कुछ आलोचक भी रहते हैं, और आलोचक होना बहुत जरूरी है ना? क्यों? क्योंकि वो आलोचक है वही आपको मोटिवेट करता है कि आप अपनी शॉर्ट कमीज को ढूंढें और उसको आगे बढ़ें, उससे बदला नहीं लेने का है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मेरी किताब आई तो हमारे जो जनभाग के अध्यक्ष थे उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही, और उनके पहले तक कभी मेरे दिमाग ये चीज गई नहीं, यार भारत साहब आपने जो किताब लिखी है इससे केवल आपके नाम नहीं हो रहा है, आपके नाम के साथ दे रखा है प्राध्यापक वाणिज्य विभाग शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन, बोलो इससे हमारे कॉलेज का नाम भी उतने सब पाठकों तक पहुंच रहा है जो इसको पढ़ रहे हैं। वो तो कहना चाहिए साल दो साल की उनकी नियुक्ति थी, उन्हें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इससे क्या लगता है, उनका विजन दिखता है कि वो संस्था के बारे में कितना सोचते हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपका विकास, आपका नाम अपनी जगह है, साथ ही साथ ये संस्था का नाम भी पहुंच रहा है। और ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, ऐसी कोई बाधा नहीं है जो संस्था के विकास के अंदर हम उस संस्था के सारे सदस्यों के बीच में एकता की भावना लेकर के हम सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने अपने परिवार को तवज्जो ना दे करके संस्था के हित में काम किया। आज हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, बाकी तमाम नेताओं के बारे में देखें आप, उनकी संतानों के बारे में आपको सब मालूम होगा, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी भी अपने बच्चों को आगे प्रमोट नहीं किया, और इसीलिए क्या है, वो आज राष्ट्रपिता माने जाते हैं। हर जाति, हर मजहब, हर धर्म का व्यक्ति उन्हें याद रखता है, और विदेश से भी कोई अतिथि आता है तो वो उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अंकित करने के लिए जाता है। जब मैं हिस्ट्री को पढ़ रहा था तो दो या तीन बार महात्मा गांधी को नॉमिनेट किया गया विश्व शांति पुरस्कार के लिए। हम लोग की तो जो पैदाइश है वो आजादी के बाद की है, हमने वो समय देखा नहीं है। आजादी के पहले ना आपको बोलने की स्वतंत्रता थी, ना कहीं आने जाने की स्वतंत्रता थी। वहां के लोग, उस समय के लोग किन परिस्थितियों के अंदर काम कर रहे थे, उससे आजादी दिलाई है।
बिना गोली बंदूक किए, बिना हथियारों का प्रयोग किए। तो ये एक उनकी पर्सनालिटी थी। पर्सनालिटी मतलब जो उनकी क्वालिटी से आना चाहिए, जो उनके मेरिट से आना चाहिए, जो उनके फॉलोवर से आना चाहिए, वो व्यक्तित्व का मूल्यांकन है। हैंडसम होना, अच्छे कपड़े पहनना, स्टाइल के अंदर बात करना, ये व्यक्तित्व नहीं है ये। और महात्मा गांधी के एक इशारे पर व्यक्ति आगे बढ़ जाते। अभी पिछले साल उनकी 150वीं जयंती मनाई गई, एक साल तक वो वाला कार्यक्रम चला, तो काफी लिटरेचर महात्मा गांधी के संबंध में मुझे पढ़ने पर आया। 1921 के अंदर एक चोरी चोरा कांड हुआ और वो उन्होंने बंद कर दिया, केवल इसलिए कि गोरखपुर के अंदर एक पुलिस थाने को वहां के लोगों ने जला दिया। बोले नहीं, अहिंसा से काम नहीं होगा। जो उनके आलोचक हैं सर, उनका ये कहना पड़ता था कि यदि महात्मा गांधी ने वो आंदोलन वापस नहीं लिया होता तो हो सकता हमको 1947 की बजाय 1921 के अंदर ही देश को आजादी मिल गई। जो उनके आलोचक है उनकी भी टिप्पणी इसके अंदर दे रखी, लेकिन उनका विजन क्लियर था कि हमारी जो संस्कृति है वो सत्य और अहिंसा की संस्कृति है। हम अपने अतीत के अंदर जाकर के देखें, इन दो हथियारों के आधार पर हमने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने असुरों से, राक्षसों से लड़ाई जंग जीती है। तो बोले ये तो अंग्रेजों से मुक्त होना तो कुछ छोटी सी बात है। दूसरा पक्ष हम देखें इमोशनल, कि हमेशा इमोशनल के अंदर आपको सत्य का साथ नहीं देना। इमोशनल के अंदर आपको संस्था को ध्यान में रख करके काम करना। जैसे एक संत बैठे हुए थे, अपनी साधना में लीन थे, वहां से एक गाय पास हुई, उसके कुछ मिनट बाद एक शिकारी उसके पीछे आया। उसने महात्मा जी से, आपने गाय को जाते हुए देखा क्या इस तरफ? तो उन्होंने उसका उल्टी तरफ बता दिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो इमोशनल है। उनका मकसद था कि हम एक गाय की जीव की रक्षा करना चाहते हैं। तो ये कई बार ऐसा नहीं कि साहब ये गलत हो गया, आपको ये देखना, अगर दोनों चीजें दे रखी हैं, हमको सत्य भी नहीं बोलना है लेकिन साथ ही साथ संस्था के हित का भी हमको ध्यान में रखना है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, यही आपकी इंटेलिजेंस है। इमोशनल होने के अंदर साथ साथ जो आपने आज का टॉपिक रखा, इंटेलिजेंस होना भी जरूरी है। यानी उसको हमको देखना है मेरिट और डीमेरिट के आधार पर, गुण और दोष के आधार पर हमको निर्णय लेना है। और ये हमें गुण और दोष देखना है अपने हित को नहीं, सत्य को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि संस्था के हित को ध्यान में रख करके। हम जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, उस वर्क प्लेस का एटमोस्फेयर इससे साउंड हो, वहां का वातावरण सुदृढ़ बने और लोग उससे जुड़े, इस संस्था का नाम दूर दूर तक फैले, इन बातों को ध्यान में रख करके मेरिट और डीमेरिट, यही आपकी इंटेलिजेंस है जिसके आधार पर हमको काम करना चाहिए। चूंकि समय मेरे पास कम है, साइमल्टेनियसली 10:30 बजे से एक जो मेन प्रोग्राम जो पहले से डिसाइड था वहाँ उनके साथ मुझे शिरकत करनी है, तो ममता मैडम बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और मैं महाविद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक और अवसर प्रदान किया आपके बीच में आने का और अपनी बात रखने का। जो आधे घंटे में मैं समझ सका उतना मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज आपने देखा भराल सर ने इतने कीमती समय में भी, अभी 10:30 को उनको दूसरे कॉलेज में लेक्चर देना है, फिर भी वो हमारे बीच आए और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इमोशंस और इंटेलिजेंस को कैसे बैलेंस रखते हुए आपको संस्था के प्रति काम करना है, चाहे आप यहाँ रहे चाहे जहाँ भी रहें,
तो हमारी संस्था, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो हमेशा सर्वोपरि रहता है। जैसे परिवार हमारे लिए है, वैसे ही संस्था भी उससे भी बड़ी है, क्योंकि उस परिवार को भरण पोषण करने वाला कौन है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, जैसे फीमेल फैकल्टी के लिए एक अर्निंग पर्सन और रहता है, बट हम उसका कुछ ना कुछ पार्ट हम अवेल करते हैं। तो जो हमें सारा चीज अवेल कराता है, नया नॉलेज देता है, आपको अपनी एक पहचान देता है सोसाइटी में, तो हमेशा उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता ही था, सर ने भी बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल देके बताया, तो साई परिवार की ओर से मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू।